कांग्रेस और राष्ट्रवादी कांग्रेस की पहली प्रचार सभा जामनेर शहर के गांधी चौक मंगल कार्यालय में हुई, जिसमें लोकसभा के उम्मीदवार डॉक्टर उल्लासराव पाटिल और संजय दादा गरुड़ और कांग्रेस और राष्ट्रवादी के तमाम कार्यकर्ता मौजूद थे। हमारे साथ इस वक्त मौजूद है डॉक्टर उल्लास पाटिल, जो लोकसभा रावेर मतदार संघ के उम्मीदवार है। हम उनसे जानना चाहेंगे कि किस टॉपिक पर आप जो है तो इलेक्शन, किस मुद्दे पर आप इलेक्शन लड़ रहे हैं। रावेर लोकसभा जो है वो काश्तकारों की लोकसभा है और काश्तकारों को जिस तरह से उनकी जो भी उनका उनकी जरूरतें हैं, वो जरूरतें ये सरकार ने पूरी नहीं की। जैसे कि मिनिमम सपोर्ट प्राइस, जितना भी वो खेत में उगाते हैं उसकी उनको सही तरफ से दाम मिलती नहीं, तो ये करने के लिए हमारे पास हमारे काश्तकारों को अच्छा दाम मिलने के लिए हमारी उम्मीदवारी है। दूसरा यह है कि यहाँ पानी की बड़ी समस्या है। इरिगेशन जो है वो इरिगेशन ठीक तरह से नहीं है, बहुत सारी जगह तो पानी पीने के लिए भी नहीं है। तो ये दोनों चीज़ें जो है, जिसका मतलब ये है कि इस तालुके में बहुत ही निसर्ग की एक तरह की बहुत ही उपलब्धि है, उसमें पानी की नदियां हैं, तो तापी नदी हो या वागुर नदी हो, उसका ठीक से नियोजन होना ये इस तालुके के लिए ज़रूरत है। और काश्तकारों को अगर अपने को आत्महत्या करने से परावृत्त करना है तो 72,000 रुपया देने का एक कांग्रेस ऑल इंडिया कांग्रेस कमेटी की तरफ से चुन के आने के बाद में बड़ी सोच समझ के एक स्कीम तैयार की है, जिसमें 6,000 रुपये महीने के और 72,000 रुपये साल के जो है वो जो जिनकी आमदनी 12,000 रुपये से कम है उनके खाते में डायरेक्ट जमा होने वाली है। तो ये सबसे बड़ा महत्वपूर्ण मुद्दा है कि कोई भी काश्तकार जो है वो आत्महत्या न करे और उसको किसी भी हालत में उसका जो वो पैदाइश कर रहा है वो उसको उचित दाम मिले। अच्छा, नौजवानों के लिए कुछ रोजगार का मुद्दा जो है बहुत बड़ी समस्या ये रावेर लोकसभा में है कि केंद्र के बहुत सारे प्रोग्राम ये प्रोजेक्ट्स यहाँ उपलब्ध है, उनका एक्सपेंशन ही नहीं हुआ। रेलवे का एक्सपेंशन नहीं हुआ, रेलवे के लिए जो नदी जो ये अपना कारखाना आने वाला था डिब्बों का, वो कारखाना नहीं आया। ऑर्डिनेंस फैक्ट्री का एक्सपेंशन नहीं हुआ और भी बहुत सारे MIDC जो है जामनेर भुसौल MIDC वो खाली है। तो ये सभी जो है बेरोजगारी बढ़ाने के के लिए ये सरकार जिम्मेदार है और मुझे लगता है कि हम आगे चलकर हर एक घर में यानी करीबन 34 लाख लोगों को पूरे भारत देश में कम से कम 34 लाख लोगों को नौकरियां देने का हमारा प्लानिंग है। या सभी सुबह का राष्ट्रीय कांग्रेस के संस्थापक जनरल विपिन रावत जी के आपको नमन करते हैं।
तरी मी यावेळी तिथं थांबून जातो आणि एकच विनंती करतो की माननीय डॉक्टर उर्लाजी पाटील।